This show was brought to you by Sing Cardiology. शबीर वापस आ गया हूं मैं एक और जबरदस्त सा फन शो लेके आपके लिए। और आज जो मेरे शो के अंदर जो गेस्ट है ना, वो कहते हैं ना, एक हैप्पी कपल, एक हैपनिंग कपल और एक सुखी कपल की लिविंग एग्जांपल है वह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम इरफान एंड महरीन। इरफान भाई, महरीन जी, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप दोनों को देख के लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, अभी आप लोग जिस तरह ऑफ कैमरा जिस तरीके से हंसी मजाक चल रही थी ना, हंसी रोकने पे, वैसे ही हंसना है आपने। बिल्कुल हंसते हंसते वैसे ही हंसते। मेरी जी, बड़ी प्यारी रही, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। इरफान भाई सर, मैं नहीं चला, लेडीज फर्स्ट। नहीं, आपकी तरफ भी आ रहा हूँ सर, आहिस्ता आहिस्ता, लेडीज फर्स्ट ना। परेशान हो गया मेरे मियां। मियां साहब, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इखलाकियात, मैनर्स, यू नो, हम लोग यहाँ पे इसी चीज का। मैं इरफान भाई, सबसे पहले कि हम सारी बातें आपसे स्टार्ट करें, मैं इरफान भाई ये जानना चाहूंगा आपसे, आप दोनों को साथ में कितना अरसा हो गया ये बताइए मुझे। हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 years हमारी शादी को हो गए हैं, और ऑलमोस्ट 15-18 years हो गए हैं, लाइक साथ में जानते हुए भी 10 साल साथ में हो गए और 8 साल जो है वो जी एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को जानने में। अच्छी बात है। तो मोहब्बत की शादी, ये पूछना फजूल ही है कि अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज थी? अरेंज कम लव, लव अरेंज, आप लव कह सकते हैं। जो लव मैरिज करते हैं ना, उनका ये कुशन करने का, उसको कवर पहनाने का, ये बड़ा आसान सा तरीका, लव कम अरेंज प्लस अरेंज प्लस लव, ये कम कम करके ना सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा कुछ इकट्ठा हो जाता है। तो कहाँ मिले थे आप दोनों? हम लोग मिले थे, मेरी जो फ्रेंड है ना, वो इनकी बहन है। अच्छा, तो वहाँ पे बस मुलाकात हुई। एक ही स्कूल में पढ़े? एक ही स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, तो मतलब जी, जी, जी। और जो मतलब कहना चाहिए ना कि नजरें कहाँ मिली थी, मतलब नजरें इनके घर में, अपनी अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वहाँ पे मिली थी। हाँ, नहीं, इरफान भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी इरफान, मेरे घर पे, यानी कि इनकी जो फ्रेंड है वो मेरी सिस्टर है, उधर ही मिली थी बस। और अच्छा, बड़े मजे के तरीके से मिली थी। ये बाइक धो रहे थे, मैं बाइक धो रहा था, बैठा ही आई थी अंदर, बस नजर पड़ी थी, बस तब से ही नजर ही पड़ गई। नहीं, अच्छा, और ईमानदारी की बात बताएं, क्योंकि लड़कियों को ऐसा नहीं है कि वो देखें, कभी कभी लाइफ में अनहोनी भी हो जाती है। आपने तो नहीं कहा था इरफान भाई से कि बड़े अच्छे लग रहे हो या इस तरीके की ऐसी कोई बात? मैं आपको मजे की बात बताऊं, सीढ़ी किस, आपने सीढ़ी दी थी इनको या खुद चेप हुआ? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे मेरी फ्रेंड जो इनकी बहन है वो पिक्चर लेकर आई थी, और मैंने पिक्चर में इरफान को देखा था, पता नहीं मुझे इरफान अच्छे लगे, लाइक ऐसे सब देखो होता नहीं, एकदम माइंड में कुछ आता है कि अच्छा ये अच्छा लड़का है, तो ऐसे हुआ। और वो अल्लाह ताला ने बस शायद वो खुद ही जोड़ियां बनानी थी, तो वो सुन लिया अल्लाह ताला ने, दिल की बात सुन ली। ऑनेस्टली से अगर बोला जाए तो आप भी उस वक्त लड़का देख ही रही थी कि कोई मिल जाए? नहीं, मैं बहुत छोटी थी, आप क्या कहते हैं, चाइल्डहुड क्रश भी होता है। हां बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज स्वीटहार्ट। मैंने थोड़ा सा पहले ऑफर कराई थी, मैं फर्स्ट, मैंने फिर पहल की थी। ऑफ कोर्स ये तो नहीं करेंगी, मैंने की थी उसका ऑफर पहले। अच्छा, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली? नहीं, एक्सेप्ट कर ली और सारा वहां से सिलसिला चल पड़ा। अच्छा इरफान भाई, मेहरीन, साथ में आप लोगों को इतना अरसा हो गया, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आपस में जो ये दिख के जो एक चीज आती है ना, वो यही आती है कि मेड फॉर ईच अदर। आप लोगों का झगड़ा किस बात पर होता है कभी, यानी कि अगर कभी झगड़ा होना चाहे तो किस आप बात ये पूछे, किस बात पे नहीं होता? नहीं होता, वो बहुत चीज लड़ते बहुत है हम दोनों। अच्छा, लेकिन हमारी कभी आपस में इतनी लड़ाई अपने मैटर्स पे नहीं होती, मैटर्स नहीं होती, किसी की इंटरफेरेंस के ऊपर होती है। हाँ, हम लोगों की बच्चों पे हो गई, बच्चों पे ज्यादा होती है, और दूसरे का कोई भी कोई बात, मैं बच्चों को बिगाड़ने में और ये सुधारने में, तो उस चीज में कभी कभार हो जाता है। अभी इससे पहले, क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में चले जाएं, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी इसी पे प्लान की हुई, हम ज्यादा बात नहीं करते कि कौन क्या है, बोले ना खुल जाए। अच्छा, दूसरी बात इरफान भाई, मैं एक और आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क? सर, मेरा, मैं एक जगह पर शेफ हूँ और मैनेजमेंट में कर रहा हूँ उस जगह की। अच्छा, नहीं, आपका कुछ हिको लॉन्च के भी आप बता रहे थे ना? हाँ, तो क्या बात है सर, मतलब यानी कि लोगों को बिगाड़ भी रहे हैं एक जगह और इस जगह सुधार भी रहे हैं, खिला खिला के। इस ह्यूस्टन के काफी बच्चों को मैंने बिगाड़ा, ये तो मैं जानता हूं। सबकी अम्मियां पहुंच जाएंगी इनके पास। सही बात है। नहीं, मैं एक और बार हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, हमारे इरफान भाई और महरीन जी जो हैं, ये बहुत अच्छे व्लॉगर्स भी हैं, बड़े मजे मजे की अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, हमने भी देखी हुई है सर। और कहना चाहे ना कि एक सुखी कपल, एक फन फनी कपल का जो एक एग्जाम्पल है ना, आप दोनों भाई, मैं तो तारीफ कर कर गए थे। अच्छा, अभी इरफान भाई और महरीन जी, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, अब इसी सिलसिले को थोड़ा सा और जरा गेम की शक्ल दे देते हैं, और फिर आप दोनों ने अगर यहाँ पे लड़ना है तो आप लोगों को इजाजत है हमारे, आप लोग लड़ सकते हैं। सोच ले, हमारी टीआरपी इसी से आएगी, फिक्र देखे, बात सुनेंगे, इतनी चीजें सारी एक गुस्से के साथ ही होगी। तो ये इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जब गुस्से में होती है तो चीजें फेंकते हैं? नहीं, मैं नहीं फेंकती, ये फेंकते हैं। मैं फेंक सकता हूं? हां, ये फेंकते हैं। क्या मतलब दीवार पे ही मारते होंगे ना गुस्सा अपना? एक दफा मारा था मैंने दीवार पे। क्या, कब था? बहुत गुस्सा चढ़ा था मुझे, पता नहीं
किस बात पे? तो मेरे हाथ में वो आई थिंक कोई था, कोई फोन था, फोन था, फोन ही मारा हमें तकद्दुस पावल नहीं करना। अच्छा, ऑलराइट इरफान भाई, अब मैंने कुछ महरीन जी से अकेले से मैं सवाल पूछा था उनके बारे में, और इरफान जी से भी हमने कुछ अकेले में उनके बारे में सवाल पूछा था। अब ये होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन। अब उसमें देखते हैं कि कौन इस कसौटी पे खरा उतरता है। आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो? तो इस एक्टिविटी का क्या नाम है? क्या नाम है? हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। अच्छा जी, अपना जी, अब मैं एक काम करता हूँ, महरीन जी से पहले मैंने जो सवाल किए थे उनके बारे में मैं आपसे वेरीफाई करता हूँ। ठीक है इरफान भाई, रेडी? ओके, आई एम रेडी। ऑलराइट, चलें, मेरा पहला सवाल आपके लिए। अच्छा महरीन जी, आपने मेरी तरफ देखना है। ओके, आप उधर मत देखिए, उधर मैं सिग्नल ही पास होना चाहिए। ओके इरफान भाई, हमें ये बताइए महरीन की फेवरेट मूवी कौन सी है? मन। अच्छा, और मतलब ये तो ऐसा मतलब जबान पे बात रखी है। मूवी तो मुझे पता है ना, क्योंकि ये बहुत देखती नहीं है। अच्छा, रिपीट के ऊपर भी देखी हुई है। तुम कभी इन्होंने बताया आपको कि मन इनको क्यों पसंद है? उसके सॉन्ग्स की वजह से। अच्छा, सॉन्ग्स? हां, सॉन्ग्स की वजह से। ये कभी पूछा आमिर खान की वजह से तो नहीं पसंद? नहीं, आमिर खान की, आमिर खान की लव स्टोरी की वजह से पसंद है। सही। अच्छा, मन एक तो मन हो गया, सही है, बिल्कुल बैंग ऑन। और दूसरी एक और मूवी इन्होंने नाम लिया था उसका, वन इनको पता चलेगा। मैं लिख के कह सकती हूं देवदास तो हो नहीं सकती। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं हो सकती? हो सकता है, देवदास तो कभी भी नहीं देखेगी, इतनी रोने वाली। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक होता है सीक्रेट क्रश, वो बंदा कभी भी किसी को नहीं बताता। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस पे। देखिए बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, मतलब ये बाल जो भी मतलब जो भी हैं इधर कर रही हैं, इधर के इधर के। हाँ, ये देखिए धूप में सफेद नहीं किए। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये एक सीक्रेट क्रश होता है इंसान, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो आ जाती है चीज सामने उसके। अब जैसे मुझे मेरे डैड ने आज तक कभी भी नहीं बताया था कि वो नदीम वहीद मुराद और अमिताभ बच्चन के एक बहुत जबरदस्त फैन है, लेकिन जब बात निकलती है ओ हो, उनको सारी अमिताभ बच्चन की मूवीज का पता है, वहीद मुराद का पता है। तो हॉरर मूवीज तो ये देखनी नहीं है, और मुझे बहुत शौक है। चलें, ये तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी उस मूवी के अंदर। अब तो आपको पहचानना चाहिए, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये वो मूवी देखते ही नहीं। मैं हिंट देता हूँ ना, देखता हूँ ना अभी। नहायत बोरिंग मूवी होगी मेरे लिए। आई थिंक वो इनको फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। फैमिली ओरिएंटेड, बहुत बड़ी स्टार कास्ट, हम साथ साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल, सही हो गया। वेरी नाइस, बिल्कुल। अच्छा एक बार बताइए, लास्ट टाइम आपने जो लास्ट गिफ्ट इनको दिया था महरीन को, वो कौन सा गिफ्ट दिया था? परफ्यूम। अच्छा, और बैग। क्या बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त इरफान भाई, दो सही हो गए आपके। अब मैं आई एम गोना बी हार्ड विद यू, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बैलेंस पर रखूं। अगर आपने सारे के सारे आंसर दे दिए तो मैं हार जाऊंगी। तो हम बैलेंस होकर चलेंगे। इसी से तो पता लगता है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। ऑलराइट, महरीन को गुस्सा किन बातों पर आता है? मेरी फजूलियात पे। आपकी फजूलियात पे? फजूलियात नहीं, फजूलियात का मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं, जिनको एक बड़ा प्योर उर्दू का वर्ड इन्होंने यूज किया, वो कहते हैं ना कि नॉनसेंस एक्टिविटीज, उनके ऊपर इनको आता है। अच्छा, आप ये क्यों करते हैं, आप वो क्यों करते हैं, आप ये क्यों करते हैं, आप ये क्यों करते हैं, बस उस चीज के ऊपर कोई ना कोई गुस्सा इनको आता है मेरे पर। 100% गलत, गलत जवाब, गलत। अभी इन्होंने खुद बोला है वो बात पहले, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। आप अपने 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 ही बातों में उन आंसर को खोजिए, याद करें, सोचें। इन्होंने दो आंसर दिए, चले ये हिंट मैक्सिमम मिट्टी में दे सकता हूँ। एक ये हो सकता है कि मेरे गुस्से के ऊपर इनको आता होगा गुस्सा, शायद। नहीं। आपको वैसे देख के लगता नहीं इरफान भाई, आप इतने मतलब स्वीट से, इतनी आपकी शक्ल है आपको। ये जब मेरे से कोई पूछे, ये जितने स्वीट ऊपर से नजर आते हैं, अंदर से ये उतने ही कड़वे हैं। नहीं, कड़वा नहीं है। क्या-क्या देखना पड़ता है जिंदगी में। वो बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं सारा कुछ बोल देता हूँ, दिल में नहीं रखता। बोलते थे दिल के साथ, आप बोलते थे सब कुछ, बोल देते आप बोलते थे। क्या बात है, बात सुने, आपको पता है मुझे किस बात पर गुस्सा आता है? बहुत मजा आ रहा है, आप लोग लड़ते रहे, हमारी क्या बढ़ रही है, आपको पता है मुझे, शायद मेरी कुल, नहीं बार बार बोल रही हूँ आपकी, मेरी रफ लैंग्वेज के ऊपर शायद इसको आता होगा। नहीं, इसका अपोजिट क्या होगा? ये रफ लैंग्वेज में आप जिस पे मैं दिल करता है कि फन आपको कुछ कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चले ये गलत हो गया, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं कर सकते। चुप रहने पे क्या, बोलते नहीं है। ओके, सबसे ज्यादा इनका मसला ये बोलते नहीं है। इनके थर्ड डिग्री एटीट्यूड देते ना, कोल्ड टेम्परामेंट हो जाता है, कोल्ड साइलेंस के, जिसमें कहते हैं ना कि सामने वाला एकदम चुप रह के मार देता है। और ये सबको बोलते भी है कि चुप रहो, ताकि अगले वाले को टेंशन हो कि भाई इसके अंदर क्या चल रहा है, और ये बोल भी नहीं। सही बात है। और दूसरा इन्होंने बोला किड्स इश्यूज, बच्चों के मामला दोनों के जो है वो, जिस पे इनको गुस्सा आता है वो। हाँ सही है, तो ये गलत हो गया। अच्छा एक बात बता, अगर महरीन को ऑब्वियसली अगर इनको एक मूवी में चांस करने काम करने का चांस मिले, तो ये किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? इन्होंने वैसे नाम दो लिए हैं, उनमें से एक्टर एक है, इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता।
अब बॉलीवुड है या नहीं, नहीं वो मैं ये नहीं रहा। देखा आपको हिंट बहुत जबरदस्त दे दिया मैंने, वो बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड ये नहीं बोलूंगा मैं, या टॉलीवुड। इन्होंने दो नाम लिए उनमें से एक एक्टर है, ये हिंट है आपके लिए। हाँ, क्योंकि इनका गलत हो गया ना, तो ना कोई खान में से होगा एक शाहरुख खान हो सकता है, शाहरुख खान सही हो गया। और दूसरा वो जो इंसान है ना दूसरा, वो भी हीरो है इनकी नजर में, वो भी हीरो है इनकी नजर में। मतलब अब तो मैं के बच्चे को मैं बोलूं ना, अगर ये बता दे देवानंद तो नहीं, दिलजीत हो सकता है। बात सुने, मतलब आपको अपने बारे में इतनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्होंने आपका नाम लिया था, इरफान मेरे हीरो होंगे, मैंने बोला इनकी नजर, इन्होंने बोला तो मैंने आपको बोला था कि आपकी इनकी नजरों में आप हीरो हैं। बस फिर आगे इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूं एक फिल्म बना ही लूं, अब तो घर जाके फिल्म होगी, तो फिल्म होगी सही है। 2.5 ये आधा सही आधा गलत हुआ, तो हम इसको आधा मानेंगे सही आधा गलत। अच्छा जी इरफान भाई, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम क्या है? अभी ये भी पता चल जाएगा कि आप इनकी बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कितना जानते हैं। इनकी बेस्ट फ्रेंड जो उनका नाम है आयशा, आयशा बहुत पुरानी है। हाँ जी आयशा, और दो नाम है अगेन, दो नाम है हाँ। एक हुरिया हो सकती है, नहीं एक मिनट, आयशा ही एक बहुत पुरानी जिसको मैं जानता हूँ, बहुत पुरानी है हाँ। और दूसरी आयशा तो सही है, आयशा सही है ना हाँ। दूसरी आई थिंक मेरी अपनी सिस्टर है, वो भी बहुत पुरानी फ्रेंड है इसकी। नहीं, ये नाम क्या है उनका? राफिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तो है ही है, वो मेरे साथ बहनों वाला और उसका मामला, हम फ्रेंड्स से फ्रेंड्स, उन्होंने से फ्रेंड्स पूछा था, तो वो राफिया के साथ तो बहनों वाला। चलें अभी हम ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते, 1 2 परसों भी मिलके आए उससे, 4 5 सॉरी राबिया। चलो 1 2 3 और 3.5 आपने 3.5 स्कोर किया, आधे आधे हमने मिला लिया। हम यूजुअली इस तरह की मार्किंग करते नहीं, बट स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट 3.5 आपको मिला। महरीन जी, अब आपको बैलेंस करने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए 3.5 मिनिमम स्कोर करना है। अब हम पूछेंगे आपसे इरफान भाई के बारे में, ये बताइए इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अगेन हिंट है, दो नाम लिए इन्होंने। अच्छा, इनका फेवरेट सॉन्ग, दो सॉन्ग तो दिलजीत के गाने पसंद है बहुत ज्यादा, दिलजीत दोसांझ के गाने पसंद तो है, लेकिन आपको बताना है कि इनका गाना कौन सा। एक तो वो लम्हे, हाँ ठीक है हो गया, और दूसरा मुझे नहीं आइडिया सीरियसली। अच्छा ये तो मुझे पता है, वो लम्हे तो इनको पसंद है, वो इनका भी फेवरेट है, वो इनका भी फेवरेट है, मेरा अकेले का नहीं, इनका भी फेवरेट। कौन सा फेवरेट? वो लम्हे वो बातें कोई न जाने, इनकी आवाज भी अजीब सी होती है मतलब इनका। और आजकल इनको वैसे एक वो फलक का गाना पसंद है, लेकिन मुझे उसका नाम, आई थिंक वो मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन फलक शब्बीर का गाना, थोड़ा सा प्यार हुआ है। अच्छा, ये हिंट दे दी मैंने, थोड़ा है बाकी। अच्छा ये कब हुआ? थोड़ा सा ये कब हुआ? 18 साल पहले हो गया था। हाँ, लेकिन ये इतना सुनते तो नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। नहीं आता, नहीं आता। थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी। नहीं, उन्होंने हिंट दे दिया, हिंट दे दिया ना, इसी दे दिया, बहुत सारा सुना है, जिसको बच्चे बोलते हैं थोड़ा थोड़ा प्यार, शिकागो सॉन्ग है बच्चों का। जैसे इनके नाम में भी दो लोग हैं, इरफान अशरफ जैसे दो आदमी, दो लोग हैं, हर चीज के भी दो आंसर, दो आंसर। एक पैरी पैरी चिकन, बिल्कुल सही हो गया, और दूसरा कढ़ाई, बिल्कुल सही, मेरे से बनवाते ही दो चीजें ये लोग। अच्छा, और बाकी मैं आपको कहती हूँ आप इनके हाथ का खा के देंगे पेरी पेरी चिकन, आप भूल जाएंगे किसी भी जगह का। क्या पेरी पेरी चिकन तो चले मैं खाऊंगा। कढ़ाई कौन सी, चिकन की क्या, मटन की? दोनों बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा, मैं उसके साथ वो नान लूंगा मैं, बिल्कुल आपको कहेंगे ऐसा, नान के साथ पूरा चीजों के साथ रायता सलाद। इनको सबसे ज्यादा डर किस बात से, डर किन चीजों से लगता है? अगेन दो जवाब, कॉकरोच सही हो गया, किन चीजों, मुझसे तो नहीं लगता। मैं आपको सच बताऊं, ये इतना हंसे इतना जोर से, मैंने इनको चुप कराया था, बोलना नहीं क्योंकि आप बाहर ही बैठी हुई थी। सही बोला इन्होंने, लाइक तो बेगम से डर लगता है और एक कॉकरोच से, कि ये आप डराती है इनको, चिमटी भरती है ऐसा करके? नहीं, बल्कि मैं इनसे डरती हूँ, इनकी तो आंखों से पता चल जाता है कि सही हो गया, और पूरा खानदान जानता है कि मैं रीन इरफान के गुस्से से डरती है। ओए होए होए, लेकिन यहां पे मामला उल्टा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनका फेवरेट टीवी शो कौन सा है?
ये उसका क्या खबरनाक हाँ सही हो गया आफ्ताब इकबाल का खबरदार सही हो ये भी सही हो गया अच्छा इनकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या ओके ये भी सही हो गया एक दो अगेन एक और नाम है एक तो ऐश्वर्या हाँ दूसरी में वो तो आप इनकी बन गई है ना नहीं वैसे वो लेकिन वो वाकई में एक्ट्रेस हैं और ये इसी राउंड के साथ हम आपको ये बताएंगे बहुत खुशी के साथ कि ये राउंड जो है वो मेरिन जी जीती है तो मेरिन जी जो है वो आप मुझे जानती हैं अच्छा इरफान और मेरिन अभी कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं इसके बाद कुछ और फन मस्तियां हमारे साथ मजे मजे की एक्टिविटीज है वो करेंगे सही है चलें गाइस दिस इज अ टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही फन कपल इरफान और महरीन है इनके साथ हम और एक्टिविटीज करेंगे तो आप कहीं भी मजा ही देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शिव यू During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and Hey. Okay. Mm-hmm. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey, Bobo. Do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! Welcome back after the break to Late Night Vibes with Shabir. वापस आ गया हूँ और मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही fun, interesting और मजेदार कपल इरफान और महरीन है. इरफान भाई, महरीन, welcome back. Thank you so much. Welcome to Late Night Vibes. Thank you so much. And welcome to Shabir's coat. Thank you so much. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए. बहुत मजा आ रहा है. अच्छा दोनों बेचारे मेरी तारीफ करने के लिए बेचारे इतनी पहल आगे आगे करो तो एक साथ बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है किससे पूछूं. किससे पूछूं मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ लेकिन इस आपकी इस हम्बलनेस के लिए इस काइंडनेस के लिए मैं पानी हो गया. थैंक यू सो मच इरफान भाई मेरी. अब एक काम करते हैं, थोड़ा बिजनेस की तरफ चलते हैं. जी जी. बिजनेस कुछ इस तरीके से है कि बड़े मजेदार सी एक्टिविटी है, छोटी सी. इसको हम कहते हैं बेच के दिखाओ. उर्दू में या हिंदी में बोलता हूं तो ज्यादा मजेदार आएगा. बेच के दिखाओ. आपको चीजें बेचनी है. अब क्या बेचनी है हमें भी नहीं पता ऑनेस्टली, क्योंकि अभी वो आपको सामने हमारे टीवी पर नजर आ जाएगा. अब मैं और इरफान भाई सपोज के समझा रहे हैं गेम आपको कि मेरीन, अगर हम मैं और इरफान भाई एज अ कस्टमर आपकी शॉप में आ रहे हैं, यू आर अ सेल्स पर्सन, अब आपको जो चीजें टीवी पर नजर आएंगी वो आपने मुझे और इरफान भाई को बेचनी है. सही है. जमीन आसमान के कोने मिला देना, उस चीज की तारीफ करनी है, बेचना है किसी भी तरह बेचना है. फिर आखिर में हम ही डिसाइड करेंगे. अगर हम दोनों वोट करते हैं कि यस खरीद लेते हैं तो वो पॉइंट आपको मिलेगा. अगर आप नहीं हमें कन्विंस कर सकते, अगर ये तेजी करें कि आप लोग खरीदे ही ना तो फिर नहीं. लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस मामले में मेरा अपना ओपिनियन होगा. अच्छा. हाँ, अगर मैं खरीदना चाहूंगा तो मैं बेचना, वही तो कह रहा हूं, तो उसमें आधा पॉइंट आपको मिल जाएगा. इतना मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ. लेकिन अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ, इरफान भाई हो गए, ये हम दोनों कन्विंस हो गए, डिपेंड करता है. मैं तो शायद हो ही जाऊं. एग्जैक्टली. सही है. ऑब्वियसली आपने घर भी तो जाना है ना. हाँ जी. अच्छा, और सेम यही चीज होगी जब मैं और महरीन आपकी शॉप में आएंगे इरफान भाई. और आपने, आप तो वैसे अच्छे सेल्स पर्सन, आपको तो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इतना सब कुछ अच्छा खाना बना रहे हैं, तो आपको तो मालूम होगा ये तो बहुत अच्छे हैं. मेरा पता नहीं क्या होगा, अभी पता चल जाएगा.
रेडी आप दोनों? जी जी सही है। अच्छा तो हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करें पहले? मेरे साथ जोड़ीदार कौन बनेगा, कस्टमर कौन बनेगा? इनको बनाए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया आइडिया हो जाए। सही है, तो इरफान भाई अब मैं और आप जाएंगे मेरी okay, के सही है। तो हमारे एडमिन भाई पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला जो इमेज है, जरा वो हमें दिखाइए क्या है। हाँ जी, तो ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हैंगर। हैंगर। अब ये उसको उर्दू में क्या कहते हैं कुछ पता है? हिंदी में क्या कहते हैं हैंगर को? हैंगरी बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे बॉटल बोतल हो गया, हैंगर हैंगरी रहा। सही है, हैंगर को आई थिंक टांगने वाली चीज। अब ये हैंगर हो गया। अब मैं और इरफान भाई आ रहे हैं मेहरीन आपके स्टोर में, अब हम आ गए। सही है, फन पे रेडी? ठीक है, आप दोनों, मैं बेच रही हूं। हां हां, यू आर सेल्स पर्सन। अच्छा, मैं बेच रही हूं, मैं समझ रही थी आप दोनों बेच रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने पूछा था कि फन जोड़ीदार कौन बनेगा, आप बन जाए ना सेल्स पर्सन। हो गया ना, आपने भेजना है। ओके, मैं हैंगर हूं। ओके इरफान भाई, चलें दुकान में अंदर चलें। दुकान वैसे बाहर से तो अच्छी लग रही है। ऐसे अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं अब क्या है अंदर सामान, देखते हैं जाकर। जाके देख लेते हैं, वैसे भी हमने इतनी शॉपिंग की हुई है और टांगने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। बाजार में सब भी बेच रहे हैं, ये कौन सा कोई खास बेच रहे होंगे यार। चलो देख लेते हैं, चलो अंदर चलते हैं। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, वेलकम टू माय स्टोर। कैसे हैं आप लोग? आप ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? मैं आपको, हमने पीता ठंडा ठंडा। नहीं, मैं गरम लेंगे। एक सेकंड, मैं आपको बीमार लग रहा हूँ? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं कि मैं कैसा हूँ? आप वाकई बीमार लग रहे हैं मुझे। थोड़े आप रिलैक्स हो जाएं। देखिए, आप दुकान पे आए, इतनी अच्छी आपको मेरी दुकान नहीं लगती। बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। मैं नहीं यहाँ पर, मैं नहीं खड़ा हो रहा, मैं जा रहा हूँ। बात सुनिए, आप दोनों लड़के तो नहीं घर में अपनी बेगमात से? आप क्या बेच रही है पहले ये तो बताए ना। अच्छा, आप कुछ खाएंगे पहले आप ये बताइए। हमारी शॉप का रूल है कि हम पहले जो हमारे कस्टमर आते हैं उसको हम खाना देते हैं। समोसा मंगा लें? समोसे ओके, जरा जाना पिज्जा, एक समोसे और दो बोतलें लेकर आना। बोतलें मेरे को, देसी एक्सेंट। अच्छा, देसी दुकान है ना इसलिए। सही बात है इरफान भाई, या लेडी है बेचारी, इतनी देख लेते हैं यार। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। बात सुने, आप लोग आपस में कर ले, मैं फिर चली जाती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों लेने के आए हैं? आप मुझे क्या, मैं दिखाऊँ आपकी क्या हेल्प करूँ? सही है, हमें एक हैंगर चाहिए। तो एक हैंगर चाहिए दोनों को? नहीं नहीं, एक मतलब यानी कि एक बंडल चाहिए होगा। एक बंडल चाहिए होगा, लेकिन अच्छे वाले चाहिए। ओके, आपको 12 वाला चाहिए, 8 वाला चाहिए, 10 वाला चाहिए या ज्यादा वाला? हम आपको फटीशर्ट लग रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का दिखाइए। नहीं नहीं, मैं क्वालिटी नहीं पूछ रही, मैं हैंगर के वाला। ये क्या भाई, हम आपको क्या पता, हम 100 वाला लेने आ रहे हो? एक में 10 है, एक में 12 है, एक में 14 है, एक में 16 है। क्वांटिटी पूछ रही है? क्वांटिटी पूछ रही है। जी जी, तो आप एक काम करें, हमें मुझे 24 पैक दिखा दें और इरफान भाई को आते हैं 36 पैक। 36 का होता है? हाँ ठीक है, सही चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। पहले आप मुझे ये बताएं कि अच्छा, पहले आप मुझे ये बताएं तो अच्छे वाले हैंगर चाहिए, कैसी क्वालिटी? नहीं नहीं, पहले आप मुझे, मेरा भाई, मैं कस्टमर हूँ, मेरा जवाब दें पहले। आप दोनों साथ आए, आपके हैंगर क्या, उनके अंदर कैसी क्वालिटी है कि मैं आपके से ही लेके जाऊं? देखिए, आप उसमें जब हैंग करेंगे ना, कपड़े खुद ब खुद ही जो है वो खुश्क हो जाएंगे, खुद ब खुद ही प्रेस हो जाएंगे। ये कोई बात तो नहीं है, मेरे हैंगर्स की क्वालिटी है। वैसे ऑनेस्टली, ये इस पॉइंट के साथ हम यहां कैंसिल करते हैं, ये बहुत ही गलत पॉइंट है। हैंगर पर टांगने से कपड़ा कैसे खुश्क हो जाएगा? क्या हुआ? देख, आपको भेजना है ना, हम भेजेंगे। मैं आपको अच्छी क्वालिटी वाला हैंगर दूंगी जिसके साथ स्टीम प्रेसर भी होगा, तो आप उससे स्टीम भी कर सकते हैं। तो हम लालच दे रही हैं, हमको भीख मंगे? हां, वो बात भी सही है। नहीं, भीख मंगे क्यों? इरफान भाई, इरफान भाई, कुड़ी है यार, थोड़ा बहुत मेरा थोड़ा सा दिल जा रहा है। अच्छा, काम करके कीमत पूछ लेते हैं। चलें पूछते हैं कितने का बेच रहे हैं। जी, ये जो 24 वाला पैक है, ये है $12 का, और जो 36 वाला पैक है वो है $15। ज्यादा महंगा नहीं है यार? महंगा तो है, कुछ बार्गेन करें ना, मतलब कुछ प्राइस कम करें। बात सुने, आप ऐसे करें, आप ऐसे ही ले जाएं, पैसे अगर आपको अच्छा लगे। बार्गेन कस्टमर कहा गया? आप देखें, आप मार्केट में जाएं, आपको ऐसे प्राइस कहीं से भी नहीं मिलेंगे। मैं बहुत रीजनेबल प्राइस दे रही हूँ। देखें, आप मेरी शॉप देखें कितनी अच्छी है, बहुत रीजनेबल प्राइस। इतनी स्वीट लेडीज बेच रही है भाई, आप कहते हो तो ये तो बहुत अकड़ू आप ले आए साथ। आप तो फिर स्वीट लग रहे हैं ऐसे। मैं तो नहीं लेता हूँ, आपको आपको चीज बेच रही है, उनकी बुराई करेंगे, वो लेंगे। वो आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप थोड़ा गुस्से में वो जरा स्वीट। चलो चलो कर दो गुब्बारा, मुझे भी पैक। चलो सही हो गया, चलो पॉइंट मिल गया मरीन जी आपको। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। सही है मरीन जी, अब आपके पास सेकंड आइटम है, ये अब आपने हमें बेचना है और जल्दी जल्दी बेचेंगे। सही है, ऑलराइट। चलो जी, सेकंड आइटम क्या है हमारे पास? एडमिन भाई जरा दिखाइए सेकंड आइटम। ओ चलो,
गाजरे गाजर ले लो टीने ले लो एक सेकंड अभी आपका ठेला गली में आया नहीं हम पहले डिसाइड कर लें कि हमें गाजर का हलवा बनाना है इरफान भाई आज रात को दावत है तो मैं सोच रहा हूँ खाना बाहर से मंगा लेते हैं घर में गाजर का हलवा बना लेते हैं तो गाजरे लेके आते हैं गाजरे हाँ आप आवाज लगाइए गाजर ले लो टीने ले लो गाजर ले लो भाई सब्जी वाला आ गया सब्जी वाली आ गई खूबसूरत सब्जी वाली यहाँ पे आई हमारी गली में सब्जी वाली आई तो हर बंदा ले लेगा गाजर आप तो पूरी भाई साहब ये बहुत अच्छी गाजर है ले 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 बहुत अच्छी गाजर मैं दो चीजों से मुझे सख्त नफरत है कोई कोई मुझे कोई भाई साहब बोले और कोई मेरी एज पूछे अच्छा एक बात बताएं आप अच्छी गाजर आप मेरी गाजर ले ले बहुत मीठी मीठी है मजे का गाजर का हलवा बनेगा ये क्या क्या हिसाब दिया किस हिसाब से बेच रहे हैं ये ₹5 किलो है ₹5 किलो मुझे थोड़ी पुरानी लग रही है बहुत फ्रेश है आज ही लेकर आए वो तो नहीं पानी मार मार के ताजा की है देखे कहीं से नहीं आज ही लेकर आए मंडी से आई है ताजा फ्रेश बिल्कुल फ्रेश है ऑर्गेनिक है मार्केट में जाने का टाइम भी नहीं है दावत में भी थोड़ा सा अगर आप ले लेते हैं अगर सस्ते में देते हैं तो ठीक है देख लेते हैं ₹5 से मैं ₹1 भी कम नहीं करूंगी क्योंकि खुश खुश लग रही इतना जूस भी होगा कि नहीं होगा यार घर के बाहर आई हूं मेरा तो दिल करता गाजरों का जूस पीने का लेकिन बस जूस होगा कि नहीं बीच में यार अच्छा फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं इरफान भाई आप क्या बोलते हो ले लें कि नहीं ले लें अगर सस्ते में देते हैं हाँ तो ये ₹5 से कम नहीं करेंगे आप मैं ₹5 से ₹4.5 पे आ जाऊंगी उससे ज्यादा कम नहीं करूंगी चलो ले ही लेते हैं चलो ले लेते हैं ठीक है आपको अब ये बात का ध्यान रखा है उन्होंने दोनों आइटम हमें बेच दिए अब आपको भी दोनों ही बेचने पड़ेंगे अब आप दोनों कस्टमर है ना हाँ अब हम दोनों कस्टमर बेच दूंगा एडवांस में माफी मांगता हूँ आपसे अभी मैं बहुत गुस्सा किया करूंगा आपके साथ और एडवांस में जो बदतमीजी है गुस्सा किया करूंगा उसके एडवांस में माफी मांग रहा हूँ और रेडी है मैं रेडी चलो हाँ जी हमारे एडमिन भाई जो अब इरफान भाई के लिए आइटम जरा वो दिखाइए ईद आने वाली है अच्छा ये इतना एक हाँ मेरी मैं सोच रहा था कि बकरा ईद भी आने वाली है जी जी तो हम जाके कुछ एनिमल्स वगैरह कुछ देख लेते हैं कि वैसे तो मंडी के अंदर अगर मैं बैठा हूँ ये गायें लेकर तो सीधी बात मेरा एटीट्यूड बहुत होगा मेरे एक सेकंड ये आप एक सेकंड ये बफेलो है बफेलो सांड बफेलो है वो इसको पानी नहीं हो सकती पाकिस्तान में तो इसको बोलते हैं वेड़ा कुर्बानी के लिए आपको चाहिए होगी मेरा तो एक नखरा होना चाहिए ना इस चीज को बेचने के लिए हाँ तो बस ठीक है नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इसके अगर बोलेंगे ना कि जी 25 लाख रुपए का बैल है तो ये देख लीजिए 25 लाख रुपए जो दे रहा है वो कितना बड़ा आदमी होगा आप दोनों को मेरे साथ बार्गेनिंग करनी होगी मेरा काम है बेचना बस लेकिन तो बेच दूंगा लेकिन लिमिटेड टाइम सुबह तक नहीं बैठना मेरे नाम चलते हैं ना मंडी चल के ले लेंगे हाँ जी हाँ जी तो तैयार हो जाओ 2 मिनट में हाँ नहीं हमने वीडियो हमने शादी में नहीं जाना है जो बैड़ी लेने भी जाना है तैयार होकर बैड़ी लगेगी बैड़ी भी अच्छी मिलेगी हाँ जी चौधरी साहब क्या हाल चाल है जी सर बोले जी सर ठीक है भजन ठीक ठाक आप थोड़ा एटीट्यूड में बैठा हुआ है सामान बेचना है कि नहीं बेचना भाई आपको लेके जानी है तो ले जाओ नहीं लेके जानी मेरे पास कस्टमर बहुत है तो बताओ कितने की बेच रहे हो भाई 1 लाख रुपए की है ये क्या 1 लाख रुपए यहाँ पे लूट मची बैंक लूट क्या सोना खिलाते हो घर की पली हुई है पट्ठे पर मुर्गों ने डाले उसको भाई इतना मैंने पूरा साल पाला उसको रस्सी तोड़ के भाग तो ऐसे कर रहे हो सर सोना खिला रहे हो नहीं सकती ये तो मेरी बात तो ऐसे कर रहे हो सर सोना खिला सोना खिलाया हुआ और आपका एटीट्यूड किस तरीके से कस्टमर के सामने ऐसे बैठते हैं पांव पे पांव रख के भाई ईद का सीजन चल रहा हमें भी तो पैसे बनाने ना हमारे भी तो पीछे बच्चे हैं ना आंखें आसमान पे गई आप लोगों का बहुत पुराना है जब भी ईद करीब आती है आप लोग कीमत ऊपर कर देते अभी मुझे मालूम है बेचोगे नहीं ना भाई लास्ट प्राइस बताओ क्या दोगे देने वाली बात करो देने वाली बात 95 कर दो बस 95 आसान कर रहे हो 5000 रुपए बिल्कुल 5000 में सूट भी नहीं आता मैरीन एक काम करते हैं लास्ट प्राइस बोलते हैं मैं जी 60000 रुपए दूंगा तो आपने की जैसे हम जाने लगे आपने पीछे से आवाज देना शुरू बात कर लेते हैं आप क्या देना चाहते हैं बता दिया 60,000 थोड़ा सा तो बढ़ाए ना नहीं नहीं बस ये लास्ट है 67,000 इससे तो पैसा ना आप लोगों का आप 80 दे दो चलो नहीं 80 दे दो मेरी ने काम करते हैं 70 पे डील करते हैं 70 इससे ज्यादा नहीं होगा 70 पे बेचोगे यार को साढ़ा विश्वास कर लो सर
आप लोग बहुत कमाते हो पीछे में मालूम है। अभी हम लेके नहीं जाएंगे ना फार्म पे, 50,000 में बेच के जाओगे फार्म वाले को। कस्टमर को नहीं बेचना किसी की ईद खराब करना। कसम यार 75 जी ले लो। नहीं नहीं बस 70 लास्ट है। देखो हमारे बच्चों की दुआएं लगेंगी, हमारे करीबों की दुआएं लगेंगी। 75 की ले लो ना यार, छोड़ो यार, बस करो, बस 70 में लेके जा रहे हैं ये लोग। 75 ले लो, पकड़ो, चले भाई, चलो गाय खोलो, गाय खोलो, चलो। देखो भाई मैं मैं तो राजी हो गया 75, लेकिन अगर मेहरीन राजी नहीं हो रही तो आप 70,000 पकड़ो और हम जा रहे हैं यार। चलो 72 कर लो, दो यार, दो दो ये ले जो, दो ना 72 दो ना, चलो करके बढ़ा रहे हैं। क्या हो गया? नहीं भाई, हमने 72 दो यार, ले जो फाइनल, ले जो, ले जो, ले जो, ले जो, 70 में लेनी है मैंने ये, 70 लो, चलो भाई, चलो यार, बीबी ने कहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, जाएं। ये आपने बेची नहीं, जबरदस्ती खरीदी उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, आपने पॉइंट दे दिया उनको। अच्छा जी, अब आखिरी आइटम है इरफान भाई आपके लिए जो आ रहा है स्क्रीन पे। आज मुझे शो करने में इतना मजा आ रहा है, मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे गेस्ट सब कुछ कर रहे हैं। रेडी है? चलो जी, चौथा आइटम दिखा दो हमारे एडमिन भाई, क्या है इरफान भाई जो हमें बेचेंगे? चौथा आइटम, फोर्थ आइटम, बाइसिकल। इसको ऑस्ट्रेलिया में पुश बाइक बोलते हैं, पता है? अच्छा। नहीं आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। अच्छा। okay. वैसे मेरी ना, आपको ऐसा लग रहा है जैसे समर भी आ गया, बारिश का सीजन भी है, तो बारिश में थोड़ा बाइसिकलिंग करने का भी मजा आता है, बारिश में चलाते हैं। आप चलाएंगे, मैं तो पीछे बैठूंगी, मैं तो चलानी नहीं आती। अब हम एक काम करते हैं, एक साइकिल वाले की दुकान है यहाँ से। आइए, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सर, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई यार पुश बाइक, कोई अच्छी सी बाइसिकल हो तो दिखाओ। जी आपको मिल जाएगी। मुझे लेकिन ब्लैक कलर में चाहिए। ब्लैक कलर में मेरे पास हर कलर मौजूद है। सामने क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी है। आपको गियरों वाली चाहिए, विदाउट गियरों की चाहिए, शॉक्स भी आगे लगे हुए, बहुत बेहतरीन है। गियर वाली चाहिए, मैं गिराऊंगा थोड़ी यार, आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं? आगे शॉक्स भी लगे हुए, टायर की भी और गारंटी होगी आपकी। 10 साल तक बोलते हैं कि गारंटी होगी, लेकिन देते नहीं है। 10 साल तक चलेगी, ये मेरी गारंटी है। आपकी 10 साल वाली यहां पे दुकान ही नहीं होनी। 10 साल आप अपने यहां, मेरे पास कोई मसला नहीं। पता चला आप 10 साल बाद बेच के कहीं और चले गए। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के वेट बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लग रहा है आप पर्सनल अटैक। नहीं नहीं, आप लोगों को बाइक की जरूरत है। आप बाइकिंग क्या मुझे देख के मोटी कह रहे हो? आप मुझे मोटी कह रहे हो? आप मुझे मोटा बोल रहे हैं? आप मुझे, हम दोनों को मोटा बोल रहे हैं? हां नहीं, एक मिनट, मैं तो नहीं। ये दुकान वाले ये एक्सरसाइज के लिए भी बड़ी अच्छी है। चलो चलो, नहीं नहीं, हमने ले ली। इरफान भाई कट 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 कट, मैं नहीं ले रहा। नहीं नहीं नहीं, दुकान से ये दुकान वाला है। हम आदमी ऐसी बात करता हूं, अच्छा नहीं लगता सर, क्या हो गया? नहीं नहीं, हम जा रहे हैं, ये पर्सनल अटैक हो रहा है। इरफान भाई आप बड़ी अच्छी लगेंगी बाइक के ऊपर। पर्सनल अटैक कर रहे हम जा रहे हैं भाई, बस हो गया। दूसरी दुकान पे इरफान भाई, आप नहीं नहीं सर, इधर आए, मैं आपको बड़ी अच्छी प्राइस में दे दूंगा। एक्टिविटी खत्म, इरफान भाई खत्म खत्म। इरफान भाई ने हमें भगा दिया, हमें ओवर वेट मोटा बोल के इरफान भाई ये एक्टिविटी मैरिज दे गई। वैसे ताली होनी चाहिए आप दोनों के लिए, क्या बात है, आप दोनों जमीन आसमान एक कर दिया चीजें बेच रहे हैं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, क्या बात है, छा गए आप दोनों। मतलब इरफान और मैरिन स्टोर खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो मैरिन और इरफान एक ब्रेक ले लेते हैं, सही है? सही है, चलें गाइस, दिस इज अ टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे मैरिन और इरफान है, आप लोग कहीं भी मजा देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey. Okay. Mm-hmm. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey, Bobo. Do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do
Does Jonas visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स, शबीर वापस आ गया हूँ। मेरे साथ यहाँ पे दो बड़े जबरदस्त मन मौजी बैठे हुए, इरफान और महरीन। इरफान भाई, महरीन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है? ठीक है, अभी थोड़ा सा आ गया, नॉर्मल हो गई जिंदगी, सेल्स पर्सन से दोबारा नॉर्मल जिंदगी। इरफान भाई को थोड़ा सा सॉरी बोल देता, बड़ा तंग किया इन बेचारों को हमने, कोई बात नहीं, बेच नहीं सके भाई, बेच नहीं सके, देख ले अभी भी, लेकिन अभी भी आगे इश्क के इंतहा आगे और भी है। मैं एक क्विज लाया हूँ जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड क्विज, इरफान और महरीन। अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों को बॉलीवुड का कितना नॉलेज है। इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आप दोनों ने डायरेक्ट आंसर नहीं देना, आप लोगों ने नाम लेना है अपना कि ओके बज इन बाय शाउटिंग योर नेम। अगर आपको आंसर आ गया तो आप बोलोगे इरफान या आप बोलोगे महरीन इफ यू नो द आंसर। ओके, रेडी आप दोनों? ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेंबर बज इन बाय शाउटिंग योर नेम। अच्छा, शाहरुख खान और काजोल की कोई सी भी 5 मूवीज का नाम बताइए। इरफान। हाँ जी, इरफान भाई ले गए जी। इरफान भाई बताइए। माय नेम इज खान। माय नेम इज खान हो गया। कुछ कुछ होता है जी। टाइम है ना इतना? नहीं, बोलो, लेकिन जल्दी, टाइम लिमिट नहीं, लेकिन आप जल्दी जल्दी बोलो। अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर मैं मैरिन को जरूर चांस दूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी बोलना। अगर इफ यू आर टेकिंग टू लॉन्ग देन आई हैव टू पास इट टू मैरिन, ये सच्ची बात है। माय नेम इज खान और कुछ कुछ होता है, आपने कुछ कुछ होता है, माय नेम इज खान, वन बाजीगर, बाजीगर, ओके, बाजीगर, करण अर्जुन, ओके, एक और कभी अलविदा ना कहना, नहीं उसमें नहीं है, नहीं, फेमस मूवी है, हाँ वो सबसे फेमस है जो आप भूल गए हैं, बेचारी आप देखो, ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं, जो प्लेटर में रख के अपना, सिर्फ एक रह गई है, एक रह गई है, कौन सी है? कभी अलविदा ना कहना में रानी मुखर्जी थी, उसमें रानी मुखर्जी थी। इरफान सबसे फेमस, अब मैं नहीं चाहता, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, अलग एक और भी थी जो पांच हो गई ना, जो अब तक चल रही है, दिल वाले दुल्हन, दिल वाले दुल्हन नहीं आ जाएंगे, सबसे फेमस, वैसे मैंने आपको 5 बता दी थी, हो गए सर, हो गए, ओके ओके, रिमेंबर बज इन बाय शाउटिंग योर नेम। अच्छा, एक डायलॉग मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये डायलॉग आपने बताना कौन सी मूवी से है। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी, बहुत फेमस डायलॉग है ये, होता ना एक मूवी की एक लाइन बन जाती है किसी मूवी की, थोड़ी सी पहले की है, लेकिन बहुत कम हूँ ये फानी देखते हैं। हाँ, चलो हिंट दे दूँ इसमें, क्यों आप दोनों को नहीं आ रहा है, इसमें सलमान खान था हीरो, और ये सलमान खान की बहुत इनिशियल स्टेज की मूवी है, जब उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और इस मूवी से उनका कैरियर बहुत जबरदस्त जंप मारा था उसने, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, अब से नाम ही लेना रहेगा। मुझे ना सलमान खान की मूवियां याद है, लेकिन उनके नाम नहीं मूवीज याद है। हाँ, ये दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना, ओके, निभानी तो पड़ेगी। इरफान जी बताइए। आई थिंक कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता नहीं है। मैरीन आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं याद। मैंने प्यार किया, मैंने हो गया था ना दोस्ती में, नो सॉरी, नो थैंक यू, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, अब एक एक हिंदी मूवी का नाम है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आपको बताना है कि ये मूवी कौन सी है। ओके, अब ऐसे ही कुछ है, समझ लगे नाम उसका इंग्लिश में, मैंने हिंदी में किया, ये हिंदी है इंग्लिश में, क्योंकि नाम बड़ा सा अजीब सा है उसका, माफिया, ये उस मूवी का ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, भाई इंग्लिश में यही कंफ्यूजन है ये, जी बताइए। डॉन जी क्यों वो डॉन अब समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मूवी है लेकिन नाम इंग्लिश है, और हिंदी है कि इंग्लिश है पता नहीं, तो हम भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन डॉन, माफिया। ऑलराइट, तो 1-1 बराबर हो गया। अच्छा, कोई सी भी 5 एक्ट्रेसेस के नाम बताइए जिनका नाम के से स्टार्ट होता है। इरफान जी बताइए। करीना कपूर जी, करिश्मा कपूर जी, कैटरीना कैफ जी, सिर्फ एक्ट्रेसेस एक्टर भी हो सकते हैं ना, ये क्योंकि मेरी ख्वाहिश पर सवाल ऐड किया, 3 हो गए, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, एक वो कियारा करके नाम, आई थिंक कियारा, पूरा नाम लेना है, आई थिंक उसका मुझे पूरा नाम नहीं पता, कियारा कुछ करके है वो है, और जी एक और रह गया, काजल। अच्छा, 5 हो गए, 5 हो गए, इनको दे दें ये, आप वो जो कियारा एडवाणी की बात कर रहे हैं, कियारा एडवाणी, हां जी वो सही बात है, वो कौन सी मूवी थी इनकी, सिंह, कबीर सिंह, कबीर सिंह में है ना, कबीर सिंह में। ऑलराइट, चलो बहुत अच्छा है ये, मेरी इरफान भाई ले गए वाला, सही है, मुझे थोड़ा
लास्ट टाइम बहुत तंग किया था ना थोड़ा रिलीफ पड़ता फ्रेश आपको हवा चाहिए थोड़ी सी इरफान भाई और महरीन अब हमारे पास है हम कहते हैं इसको रैपिड पोल खोल क्या कहते हैं इसमें रैपिड रैपिड पोलो खुलेंगी आप दोनों की सही और रैपिड रैपिड क्वेश्चंस मैं करूंगा और पोले आप दोनों की पहले किससे स्टार्ट करना है डिसाइड कर लो मेरे से शुरू कर दे कोई बात नहीं साइड साइड में बोली इरफान 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 कर दे अल्लाह का नाम लेकर सही है ये केमिस्ट्री है दोनों की आप देखिए इरफान भाई रेडी है आप दोनों जी जी मैं रेडी पहले आप रेडी हैं ऑलराइट अच्छा विच सेट ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी अभी मैं कुछ आपको एक सेट ऑफ वर्ड्स बताऊंगा आपको बताना कि इन दोनों में से आपकी पर्सनालिटी कहां फॉल करती है ओके शाय इनोसेंट काम सीक्रेटिव आप ये हैं या फिर आप बबली फनी कॉन्फिडेंट डाउन टू अर्थ हैं फनी ओके तो आप सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे बबली फनी कॉन्फिडेंट डाउन टू अर्थ तो आप इसका मतलब शाय नहीं है आप इनोसेंट नहीं है आप काम नहीं है और सीक्रेटिव नहीं आपको कोई राज बता दो तो आप पोल खोल देंगे उसकी मैं खोल देता हूं इनके पोल नहीं खोलते किसी और के सामने ये बात है यहाँ पे वफादारी अच्छा थ्री थिंग्स इरफान भाई दैट यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ ओके कोई ऐसी तीन चीजें जो आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं जो आप सोचते हैं नहीं यार ये अच्छी नहीं आई वांट टू चेंज दैट एक गुस्सा मेरा गुस्सा मुझे पता नहीं क्यों अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इनके अंदर गुस्सा है ये सब कहते हैं लेकिन इनका गुस्सा बहुत बुरा है कि बच्चे भी डरते हैं पूरा घर डरता है ये वही वाली मिसाल है ना जो कभी नहीं डांटते वो बहुत सख्त डांटते हैं तो आपको कभी कभी गुस्सा आता है या अक्सर ही नाक पे गुस्सा बैठा रहता है नहीं अक्सर भी आ जाता है अक्सर नहीं मूड के ऊपर डिपेंड करता है कोई एक मंथ ऐसा आता है जिसमें इनको अक्सर ही रहता है कोई किसी बात को अच्छा गुस्सा किसी अचानक बैठे बैठे सही वरना नहीं इतना ये नहीं कि हर टाइम नहीं रहता कभी कभी ये सबसे बुरी चीज मुझे लगता है आपने ब्लड प्रेशर लास्ट टाइम कब चेक कराया था अपना आई थिंक कुछ लास्ट ईयर आई गेस अच्छा नहीं अभी जाते के साथ ही आपने करना होगा गुस्सा हो गया दूसरी और तीसरी चीज कौन सी दूसरी चीज है किसी के ऊपर जल्दी जो ना मैं वो ट्रस्ट कर लेता तो आपने अब थोड़ा सा टाइम लेना ट्रस्ट नहीं करना ट्रस्ट कर ऑलराइट तीसरी चीज वो चीज खत्म करनी चाहिए जो सबसे बुरी लगती है लोगों को सही है तीसरा तीसरी चीज मैं बताऊं नहीं इनको बताऊं इनका बताऊं मैं इनको भूल गया आपकी बारी आएगी हां तीसरी चीज आई थिंक मेरी तो ये ना ये स्मोकिंग छोड़नी चाहिए ये तो वैसे में बहुत बुरी आदत है छोड़नी चाहिए चलें कोई बात नहीं आप भी यही कहने वाली थी नहीं महंगी शॉपिंग जो लड़कियों में होती है लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है इरफान नहीं वो अपने लिए पैसा बचा रही है ना मैं नहीं हूँ ये बहुत ज्यादा है और ये नहीं कि मतलब नॉर्मल वाली इनको महंगी से महंगी चीज आपको खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड अच्छे कपड़े अच्छे ब्रांड का शौक है कुछ लोग होते हैं कि बीवियों को पार्टी में ले जाते हैं हस्बैंड को शर्म आती है कि मेरे हस्बैंड को देखो फटीजा रुलिया में आया यहाँ पे उल्टा हिसाब होगा इनको शर्म आती होगी गुड 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 अच्छा दिखेंगे तो आप ही की फ्रेंड्स में इज्जत बढ़ेगी वो दूसरी तरफ से तो टेंशन होती है भरोसा नहीं है इनको आपके ऊपर अपनी खूबसूरत दोस्तों को छुपा के रखा करें अच्छा जी इरफान भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कोई ऐसा टैगलाइन कोई वर्ड कोई सेंटेंस जो आप अक्सर यूज करते हैं तकिया कलाम जिसको हम कहते हैं #लाइन कि जो आप अक्सर हर लाइन जैसे मेरा है ना ओके सही हो गया ठीक हो गया ऐसा ये मेरा है आपका क्या है ऐसे ही कुछ क्या है ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है चाहे कोई ठीक नहीं भी हो तो ठीक है ठीक है ओके आपको अगर महरीन को डराना हो कभी और डराने से मतलब ये नहीं कि कोई गुस्सा कर डांट ऐसा नहीं कभी डराना हो प्रैंक के उसमें तो आप किस तरीके से डराएंगे आपके बराबर में हॉरर मूवी चला दूंगा इनके सामने और क्या ये तो भागती हैं वहां से मैं अपने रूम में चला दूंगा हॉरर मूवी भाग जाएंगी निकल जाएंगी मुझे एंजाइटी अटैक होना शुरू हो जाते हैं कितने बेरहम इंसान है ये और ये जान के लगाते हैं मैं जान के लगाता हूँ तो वो तो आपको जब अपनी स्पेस सही होगी होगी ना ये रूम से बाहर निकल नहीं रहे होंगे तो हॉरर मूवी लगा देंगे बाकी पॉइंट है ये बाकी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं उसके बाद मैं कमरे से बाहर ही होती हूं हां नहीं कभी ये नहीं बैठती वहां पर क्या देख रहे हैं आप मैं बच्चों के रूम में होती हूं बच्चों के रूम में यार इरफान भाई मत क्या करो इस तरीके से हॉरर मूवी से मुझे भी बहुत डर लगता मैंने बचपन में वो देखता था जी हॉरर शो आता था वो अभी तक मुझे याद है अभी हमने भी वो देखा वो छोटी बेटी जो है वो इनके साथ बैठ के देखती है बताओ उसको भी हॉरर बना रही है मेरी मिडल वाली है ना वो तो मुझे खुद कहती है कि बाबा क्रीपी चीज है ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तैयार कर रहे हैं आपको डराएगी बड़े होकर ऑलराइट अच्छा फ्लाइट टू पेरिस Which celebrity you want sit next to you besides Mehreen ji वो एक फीमेल सेलिब्रिटी होनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि आप यहाँ से पेरिस जा रहे हैं फर्स्ट क्लास की टिकट है आपके पास और वो फीमेल सेलिब्रिटी आपके बराबर में बैठे कौन होगी वो
सर हिनाल ताफ ये भी मेरा ख्याल था ऐश्वर्या ये हिनाल ताफ मानते हैं ऐश्वर्या बेचारी अब वो थोड़ी सी एजेड बूढ़ी हो गई हां नहीं ऐश्वर्या वो बच्चन ले गया ना उनका वो बच्चन ले गया उधर तक पहुंचना भी नामुमकिन है तो उधर भी तो आगा ली ले गया अच्छा वो बात भी सही है वो भी रीसेंट है कोई बात नहीं रीसेंट जो चांस हो सकता है वो कहते ना जहां गुंजाइश होती है वहां घुसने की कोशिश करो ऑलराइट ओके योर लास्ट मिनट एक्सक्यूज इरफान भाई आपने तो कमिट तो कर लिया है लेकिन अब आपको ये बोलना है कि नहीं भाई अब मैं नहीं जा रहा सब बैड आइडिया लास्ट मिनट एक्सक्यूज आपने करना है कि मैं नहीं आ रहा किससे मतलब कहीं आपने जाने का कमिट कर लिया लेकिन आपने बोला कि नहीं यार दिस इज अ बैड आइडिया शुड नॉट लाइक कमिट इन द फर्स्ट टाइम मैं अब नहीं जाऊंगा तो बहाना क्या बनाएंगे किसी के घर नहीं जाना पार्टी में नहीं जाना है बच्चों को टाइम दे रहा हूं मैं अच्छा बच्चों को संभाल रहा हूं बच्चों को संभाल रहा हूं अभी बेगम बिजी है हां तो मैं बच्चों को संभाल रहा हूं पता चला बेगम बिजी है बेगम उन्हीं की पार्टी में पहुंची हुई है जिनके लिए आप जिनसे झूठ बोल रहे हैं पर ऐसा कितना मजा आएगा बेइज्जती हो जाएगी पूरे मोहल्ले में नहीं ये कहेंगे कुछ नहीं होता मैंने बस नहीं जाना तो नहीं जाना अगर मेरा मोस्टली एक्सक्यूज होता ना किसी फ्रेंड की भी कॉल आए तो मैं उनको यही बोलता हूं यार मैं बच्चों के साथ लगा हूं बच्चों को टाइम दे रहा हूं बच्चों को सुला रहा हूं या बच्चों को कुछ भी ऐसा करके ना और अगर फैमिली में किसी को कहना तो वो मेरे जो वर्कर्स हैं वो छुट्टी में मतलब कर गए हैं तो मैं तो नहीं आ सकता ये सारी खोल आप भी खोल रहे ये भी खोल लास्ट क्वेश्चन इरफान भाई लव इज ब्लाइंड एग्री और डिसएग्री बिल्कुल सही है सर बहुत ज्यादा एग्री 100% आपके सामने बैठे हुए और भी बहुत सी मिसालें सिर्फ मैं ही नहीं हूं चलो लेकिन वो मिसालें बाद में सुनेंगे आप मुझे इनकी किताब दे दीजिएगा मैं पढ़ लूंगा ओके बहुत जबरदस्त इरफान भाई बहुत ऑनेस्टली से आपने आंसर दिया Mehreen, are you ready for the heat? Rapid poll khol. All right. Which set of words describe you the best? Abhi ye wohi main aapko bhi wohi options dunga. Shy, innocent, calm, secretive, bubbly, funny, confident, down to earth. Mera bhi bubbly funny. तो मतलब आप भी सिगरेटिव नहीं है आपको भी गुस्सा जल्दी आ जाता है आप भी इनोसेंट नहीं है और शर्माती नहीं नहीं आपको अंदाजा हो गया इनोसेंट तो नहीं है आप कभी कहते नहीं कि कभी शर्मा के दिखाओ भाई एक अदा होती है ये भी जो मेरी तो वो हसरत ही रह गई सर जब कभी मेरे सामने शर्मा गए ऐसे मैं जब शर्माती थी तो कहते थे लो अब क्या तुम शर्माती ही हो इतना अब तो एक ही घर में है एक ही सब कुछ है तुम क्यों इतना शर्माती अब खुश हो गए आप जो आपने बीच बोया था वो तरफ बन गया कुछ नहीं हो सकता सेट हो गया फ्रेंड भाई ऑलराइट Mehreen थ्री थिंग्स दैट यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ गुस्सा आपको भी आता है अब दोनों को गुस्सा आता है मेरा गुस्सा इनसे बहुत कम है लेकिन मुझे आता है गुस्सा और दूसरा ये है कि मैं और क्या और मैं एकदम से कुछ भी बोल देती हूं कुछ भी बोल देता हूं मुझे होता है कि मैं वो चीज को नीड टू बी लाइक कंट्रोल ऑन योर बिल्कुल कंट्रोल अपने वर्ड्स पे कंट्रोल तीसरा और तीसरा बच्चों को जरा कुछ ज्यादा मैमू करती हूं अच्छा पैम्पर मतलब पैम्पर इन द सेंस के उनको मुझे होता है रूल्स एंड रेगुलेशन वो थोड़ा मुझे सही करना है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूं मैं कई दफा बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हूं सो यू वांट टू बी नाइस विद किड्स ओके जी ऑलराइट योर टैगलाइन आपका कोई ऐसा तकिया कलाम जो आप बार-बार यूज करती हैं जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं चाहे वो गलत कह रहे हो इनका सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आई थिंक सही 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 ओके सही 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 नहीं वो तो है ना वो भारतीय नारी मशरकी खातून वो तो ऑब्वियसली ये कहेंगी अच्छा अब आपने इनको डराना है किस तरीके से डराएंगे आप अभी डरा सकती हैं कॉकरोच लाके इनके ऊपर छोड़ दूंगी मैं घर के कॉकरोच से मरवाता हूं आप एक काम करें जिस दिन हॉरर मूवी चलाएं और एक लिजर्ड इनके ऊपर छोड़ सही है नहीं जिस दिन हॉरर मूवी चलाना तो बैग में भर के रखिएगा कॉकरोच कभी घर में नजर आना मारेगा नहीं उसको जिप लॉक में टपर घर में संभाल के जाइए इरफान छू अभी मैं आपको छिपली की डरने की मिसाल ऐसे दे सकता हूं एक बार मैं पाकिस्तान में अकेला था तब मैं अनमैरिड था मेरे कमरे में आ गया कॉकरोच था या आई थिंक छिपली थी कुछ ऐसा ही मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया फौरन कॉल किया मैं तो फौरन पहुंच वो बेचारा इमरजेंसी भागा कहता पता नहीं शायद तुझे कुछ हो गया मैं वो मेरे कमरे में आया मैं कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ था मैं कहा यार कॉकरोच मार गया कितना डर लगता है बहुत डरते हैं बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया उसने मुझे वो बोलना शुरू हो गया गुस्से से यार तूने इसने मुझे भगाया मैं कहा नहीं तुझे कोई हार्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया है तेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि इमरजेंसी में दोस्त को बुलाया कि कॉकरोच को मार दे मैंने बुलाया हुआ है था Mehreen अब आपको मालूम है कि आपने इन्होंने आपको तंग किया तो आपने क्या किया शुरू से मालूम ओके फ्लाइट टू पेरिस विच सेलिब्रिटी यू वांट टू सिट नेक्स्ट टू यू अ मेल सेलिब्रिटी इरफान भाई नहीं है उसमें इमरान अब्बास सही है ऑलराइट थोड़ा सा उसको भी आप देखना हेयर स्टाइल वगैरह उसको कॉपी कर लें आप इरफान भाई आई थिंक दिस इज द हाई टाइम है कौन सा मैंने नहीं देखा इमरान अब्बास शायद आई थिंक मैंने देखा होगा ओके Mehreen योर लास्ट मिनट एक्सक्यूज इफ यू डोंट वांट टू गो समवेयर
बहाना बना इरफान को छुट्टी नहीं मिल रही या बच्चों का पेपर है इधर भी वही स्यापा हो सकता है इरफान पहुंचे हुए उस पार्टी में नहीं नहीं इरफान नहीं पहुंचते ना इरफान तो जाते ही नहीं है इरफान को तो मुझे लेके जाना पड़ता है चलो के बच्चों इरफान को बच्चे बिजी है भाई अगर हम लोग जाएंगे तो दोनों इकट्ठे जाएंगे बच्चों के साथ और अगर नहीं जा रहे तो यही एक्सक्यूज होगा या तो मैं बिजी हूँ या फिर हम लोग अगर जाते हैं तो फिर वो लड़कियों की पार्टी होती है इसमें हम सब लड़कियां लड़की होती है तो वहाँ पे बच्चे और हम इकट्ठे सही बात है कभी लड़कियों की पार्टी में उन्होंने झांका है आपको अंदर लेने आए हो ना कभी इस तरीके से क्या मेरी फ्रेंड्स खुद ही बुला लेती है इनको अंदर ये बहुत वो भाई वाले वो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मेरी आपके लिए लव इज ब्लाइंड एग्री और डिसएग्री बिल्कुल एग्री 100% एग्री 100% एग्री मोहब्बत की शादी मोहब्बत जो प्यार है सर चढ़ के मिलता है वेरी गुड लेट मी क्लैप फॉर यू गाइस बहुत जबरदस्त मजा आया आज ऑनेस्टली मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहां आगे बैठ जाऊं आप दोनों यहीं आए गए मेरा इंटरव्यू कर लो इरफान भाई और महरीन अब हमारे शो का रैप अप का टाइम है लेकिन हमारी एक ट्रेडिशन है एक परंपरा है कि हम हमारे गेस्ट से मैसेज लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए तो पहले कौन मैसेज देना चाहेगा मैसेज में आप कुछ भी अपनी दिल की बात कहना चाहें कोई उनको कोई मशवरा देना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो आप दे सकते हैं महरीन मेरे ख्याल से अच्छा आप वो आपकी तरफ इशारा करिए ये वाला साइन बना हाँ ये वाला साइन बना के इस कैमरे में इरफान भाई सर मैं तो सारों को यही कहूँगा खुश रहें आबाद रहें ठीक है ना जो दिल में आता करें ठीक है ना लाइफ में जो चाहते हैं आप करें किसी की टेंशन नहीं लेनी किसी की सुननी नहीं है जैसा दिल करता करें भाई मेरा तो यही कहना क्या बात है बहुत जबरदस्त यानी कि मस्त मौला होकर अपनी लाइफ खुद जियो अपनी लाइफ खुद जियो किसी और के लिए मत जियो आप खुद खुश होंगे लेकिन जो आपका अपने डिसीजन है आप अपने खुद डिसीजन लें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लें वेरी वेल सेड वेरी वेल सेड मैरी आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे मैं भी यही बोलना चाहूंगा पहले साइन बनाओ ना एलएनबी का ओके हां सही बना बिल्कुल सही बना स्टे हैप्पी स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी और बस इनका शो देखते रहे और हमें भी देखते रहे और हमें भी प्रमोट करें इनको भी प्रमोट करें थैंक यू सो मच ये हम दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं सही बात है विन विन सिचुएशन चलें इरफान भाई और महरीन बहुत मजा आया आप लोगों के साथ आज मैं अभी अगर मैं अगर बताने बैठ जाऊं ना अभी कि मैं मुझे कितना मजा आया तो सुबह हो जाएगी चलें अब इस शो को हम रैप अप करते हैं सही है थैंक यू सो मच इरफान भाई थैंक यू सो मच और ऑल गाइस दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो आज हमारे साथ यहां पे बहुत ही एनर्जेटिक कपल इरफान और महरीन थे अब इस प्रॉमिस के साथ मैं यहां से जा रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन जोड़ी लेके आऊंगा टिल देन keep watching Late Night Vibes with Shabir.